الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب, رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير عزيز <applause> طلبة <applause> آج هم फैल माजी की गर्दान सीख रहे हैं आप जानते हैं कि फैल को अरबी में कहते हैं वर्ब ये इंग्लिश में क्या कहते हैं वर्ब ठीक है इसी वर्ब को अरबी में क्या कहते हैं फैल एन ओलाउ फैल ठीक है फैल अब इंग्लिश में जो है अरब वर्ब की दो दो तीन किस्में हैं जमाने के एतबार से हम कहते हैं कि भाई या तो ये, 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 ये क्या नाम है या तो ये वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में होगा पी आर टेंस में होगा प्रेजेंट टेंस या फिर पास टेंस में होगा पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर फ्यूचर में होगा ठीक है अरबी में इनको जबकि हम अरबी यानी अरबी में जमाने के एतबार से फैल जो है इसकी दो किस्में की जाती है एक है अल्फालु अल्मादी, अल्फालु अल्मादी। इसको लिखते हैं अगराम के बगैर लिखेंगे अरबी में तो हम इसको पढ़ते हैं फैलुन माजिन। क्या पढ़ते हैं फैल उन इस तरह लिखते भी हैं और इस तरह पढ़ते हैं अगर अल्फलाम के साथ लिखेंगे तो आप पढ़ेंगे अलफेलो अलमेजी ठीक है ये आप आगे जाकर सीखेंगे और दूसरा पॉइंट जो है जो ये सॉरी दूसरी किस्म जो फैल की है वो है अलफेलो अलमोदो आर्या अलमोजो आर्या अलफेलो अलमोदो तो दो किस्म के हो गई अब फैलो अब आप सवाल करेंगे कि तीसरी किस्म कहाँ गई

पढ़ेंगे यहाँ हम 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 जो आज सीख रहे हैं वो क्या है वो है अल अलफेल माजी या अलफेलो अल 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 या फेल माजिन फेल माजिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कैसे कुछ लोग लिखते हैं द परफेक्ट वर्ब द परफेक्ट वर्ब माफ कीजिए यहाँ थोड़ा लैंग्वेज चेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है द परफेक्ट वर्ब जैसे मरहूम वली अख्तर नदवी साहब जो हाल हाल ही में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जो है इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए वो इनको इसको इस इस फेल को यानी अपनी मशहूर किताब जो उसने लिखी है प्रैक्टिकल अप्रोच टू तो द अरबिक लैंग्वेज उसमें वो इसको ट्रांसलेट करते हैं एज द परफेक्ट वर्ब द परफेक्ट वर्ब द परफेक्ट वर्ब और जबकि हमारे जो मिलिया के एक एक और उस्ताद हैं बहुत ही जो है मशहूर उस्ताद हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रफी इमाद फैनान रफी इमाद फैनान साहब इसको सिंपली ट्रांसलेट करते हैं दूसरे लोगों की तरह द पॉस्टेंस देंस 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 ओके तो आइए जब आप अरबी में इंग्लिश में पास टेंस पढ़ते हैं तो आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल राइट की टेंस रोट डब्ल्यू आर ओ टी राइट की पास्ट फॉर्म है राइट right की पास्ट फॉर्म अब आपको इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करना है सेंटेंस में आप क्या करते हैं आप लिखते हैं ही रोट डब्ल्यू आर ओ टी रोट या आप लिखते हैं uh, क्या नाम है शी uh, रोट एस एच ई शी डब्ल्यू आर ओ टी रोड या आप लिखते हैं दे आप लिखते हैं यू रोड यू डब्ल्यू आर ओ टी रोड ठीक है या आप लिखते हैं आई रोड डब्ल्यू आर ओ टी रोड ओके ही रोड शी रोड दे रोड यू रोड आई रोड अब देखिए वर्ब जो है वर्ब की फॉर्म जो है यहाँ इन सब में सेम है आप इसको नोट कर सकते हैं देखिए इन सब में सेम है कहीं रोड जो है इसके अल्फाज में कोई तगुर नहीं हुआ कुछ चेंज नहीं हुआ यही है जो आपको यहाँ सीखना है इंग्लिश में तो कोई चीज चेंज नहीं हुई लेकिन जबकि अगर आप इसी को अरबी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल ही रोड को हम कहते हैं रोड को अरबी में कहते हैं काताबा तो हम लिखेंगे काताबा मैं आपको समझाने के लिए ही को भी ट्रांसलेट करूंगा हुआ काता बता का हुआ हुआ, हुआ जबकि शी को लिखना है तो मैं लिखूंगा मुझे दे दे को ट्रांसलेट करना है अब दो माने हो सकते हैं दे का माने ये भी हो सकते हैं कि उन दो लोगों ने ये काम किया उन दो औरतों ने ये काम किया उन सब मर्दों ने ये काम किया उन सब औरतों ने तो चार माने हो गए दे में अरबी में इन चार को अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे मैं मैं सिर्फ प्लूरल को लिखूंगा मैं तस्निया को नहीं लिखूंगा इस वक्त तस्निया में आगे सिखाऊंगा अगर मुझे कहना है दे रोट उन सब मर्दों ने लिखा तो मैं लिखूंगा होम 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 उन सब लोगों ने लिखा अगर मुझे लिखना, लिखना है या ट्रांसलेट करना है उन सब औरतों ने लिखा लिख, लिखा तो मैं कहूंगा हु न ठीक है अब मुझे लिखना है आपने लिखा अब यू का भी मसला है मैं आप मतलब आप एक मर्द या आप एक औरत या आप सब मर्द या आप सब औरतें या आप दो मर्द या आप आप दो औरतें तो देखो कितने यू में आते हैं तो मैं क्या कहूंगा मैं सिर्फ सिंगुलर और प्लुरल को लिखूंगा मैं कहूंगा यहां अंत 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 बता अंत मैं ता के ऊपर जबर लगाऊंगा शायद आपको ये दिख ना रही हो लेकिन मैं इस पे लगा रहा हूं कत तो, 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 अगर मुझे है आप एक औरत नहीं तो मैं अगर मुझे प्लुरल में लिखना है तो मैं कहूंगा अन ग, ग, तुम अंतुम तुम अंतुम कतब तुम इसी तरह अंतुन कैतबुन्ना अगर मुझे आई लिखना है तो मैं लिखूंगा अन कतु लिखना है तो अब आपको जो यहाँ पॉइंट सीखना है वो है देखिये फेल की है काताबा ये है असल शक्ल ये है असल शक्ल मैं इसको जरा इलाज करता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह देख सकेंगे काताबा ये देखिए असल शक्ल है का और बा काफ और बा अब हिया, जो जमीर मैंने इस्तेमाल की इसके साथ मुझे इस काताबा को मैं यहाँ इसको बड़ा करता हूं ताकि आप इसको भी आराम से देख सकते हैं अब ये देखिए मैंने इसके सामने काफ ता बा और फिर एक ता जिसके ऊपर सुकून लगानी पड़ेगी ये सुकून अरबी में जदीद अरबी में जजम जो है इस तरह लगाते हैं सुकून वो एक छोटा सा दायरा काता का, था, का था, बत का मैंने की काफ ता बा के बाद इसके साथ कर दिया क्या एक फैली हुई ता जिसके ऊपर सुकून है ये ता क्या है ये अलामतिस है यानी इससे हमें पता चलता है कि ये काम किसने किया एक औरत ने किया है काताबा ही रोट रोट उसने उसे एक औरत ने लिखा उसे एक औरत ने लिखा अब इसी तरह आगे बढ़िए यहां देखिए काताबू एक, 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 सेगा मैंने लिखा है अब इसको जरा मैं ये करूंगा बोल्ड करूंगा और इसको बड़ा करूंगा ताकि आप आराम से इसको देख सकते हैं यह है काताबू मैं यहाँ एक पॉइंट इसको लिखना भूल गया हूँ वो है अलिफ काताबू काता देखिए यहाँ मैंने काफ ता बा। और इसके बाद मैंने एक वाव और एक अलिफ। अलिफ का ऐड एकफ को तो इलिफ का तो कोई परेशान नहीं वो तो मैं सिखाऊंगा एलिफ क्यों लिखा हमने लेकिन वाव मैंने ऐड कर दिया जबकि वहां आपने जब दे लिखा यहाँ आपने जब दे लिखा दे रोट तो आपने कोई इसमें कोई चीज ऐड नहीं कर दी कोई चीज ऐड नहीं कर दी इसी तरह आगे यहां हुन्ना कातबना। हुन्ना कातबना। अब आगे बढ़ी यहाँ देखिए होना काताबना होना काताबना अब देखिए काताबना यहाँ मैंने नून का इजाफा कर दिया है वहां वहां देखिए आप दे दे रोट नहीं कोई मसला नहीं वहां भी रोट रोट रहेगा अंत काताबता अंत काताबता अब यहाँ देखिए काताबता में मैंने लास्ट के ऊपर ला, इसके लास्ट में काताबा कि लास्ट में मैंने एक ता फैली हुई ता बढ़ा दी है उसको फैक्स कर दिया है इस, 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 इस फैल के साथ, और उसके ऊपर एक फतह लगा दी है जबर लगा दी है इसी तरह आप देखेंगे काताब कि आप एक काम यहां मैंने तुम बढ़ा दिया है काताब तुम ना तो गर्ज यह है सारे सेगू में कुछ न कुछ आखिर में जो है बढ़ाना पड़ता है जबकि इंग्लिश में ये कोई बात नहीं है इंग्लिश में आपने सीखा रोट रोट मीनस लिखा ठीक तो आप कहते हैं ही रोट शी रोट आई रोट यू रोट तो कोई पर चेंज बाकी और वो भी कितने चेंज करते हैं अगर एक मर्द ने काम किया है तो आप कहते हैं ही अगर एक औरत ने तो आप कहते हैं शी अगर बहुत सारे मर्दों औरतों यानी एक से ज्यादा मर्दों या औरतों ने किया है तो आप दे कहते हैं तो हो गए तीन अब यू कहते हैं आप यू आप हर एक के लिए एक सिंगुलर के लिए प्लुरल के लिए औरतों के लिए मर्दों के लिए सबों के लिए यू लगाते हैं यानी यू मैं एक लड़के से कहता हूं यू आ, यू रोट आपने लिखा एक लड़के से कहता हूं यू रोट तो यू यू रहता है जबकि अरबी में ऐसा नहीं है यानी मैं कहना चाहता हूं कि इंग्लिश में जब आपको गायब के छे से ये लिखने हैं तो आपके पास तीन जो है तीन क्या है तीन अः जिनको हम जमा कहेंगे तीन प्रोनाउनस है जिनके जरिए आप लिख सकते हैं ही शी एंड दे जबकि सेकंड पर्सन के लिए एक यू फिर आइए फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी तो हो गए कुल मिलाकर ये छह से छह छह प्रोनाउंस जिनको आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं इनको आप इजीली समझते भी हैं इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन अरबीक में छह से ज्यादा है यही सीखना है और मैं यहां कंजुगेशन uh, पढ़ाने से पहले यानी गर्दान पढ़ाने से पहले सेगे बताने से पहले यह बताना जरूरी समझता हूं कि अरबिक में कभी भी जब आप कोई किताब पढ़ेंगे कोई सेंटेंस पढ़ेंगे आप नहीं देखेंगे कि कोई फैल जो है बस अपनी असली शक्ल में लिखा हुआ है ये असली शक्ल में कभी नहीं होता है सिर्फ तब जब ये काम यानी ये काम जो ये फेल बताता है यह काम जब एक आदमी ने किया हो एक मर्द ने किया हो और वो गायब हो यानी थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन हो आप मुझे कहते हैं सर उस आदमी ने खाना खाया तो आप कहते हैं है हुआ है आप मुझे कहते हैं सर वो आदमी वो लड़का बैठ गया कहते हैं हुआ जला है। तो ये ये क्या है तो ये एप, अपनी इब्तदाई शक्ल में है यहाँ तो याद रखिए जब हम आपसे कोई जब कोई आपसे पूछ कोई ये बताए कि मुझे बताओ काताबा के माने क्या है तो आप कहते हैं काताबा के माने हैं लिखना काताबे के माने क्या है लिखना मैं इंग्लिश में लिखूंगा ताकि आप यानी चूंकि उर्दू इसमें है नहीं तो थोड़ा मुझे गड़बड़ हो जाएगी उर्दू लिखने में तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा काताबा मीनस लिखा एल आई के एच ए लिखा काताबा मीनस लिखा असल में लिखा जो है लिखा इसके इसके क्या माने है वो 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 मजदरी माना है क्या है वो 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 मजदरी माना है वो इसके अपने माना नहीं है वो वो मजदूरी माने है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में वर्बल मीनिंग है ये क्या है ये वर्बल मीनिंग है ये मजदूरी माना इंग्लिश में कहते हैं वर्बल मीनिंग वर्बल मीनिंग एम आई एन जी मीनिंग तो आप मुझे सवाल करेंगे सर फिर ये वर्ड जो पहला सेगा जो आपने लिखा काता इसके माने क्या है इसके माने क्या है तो मैं जवाब दूंगा इसके असल माने है कि रोट डब्लूर लिखना इट मीन असल में ही रोट लेकिन जब आप इसको लिखते हैं तो आप इसको अपनी मजदूरी माने में लिखते हैं आप ये नहीं कहते हैं अच्छा जलस मीन ही नहीं, आप ऐसा नहीं कहते आप इसकी मजदूरी माना कहते हैं आप कहते हैं समी सुना सुनना कत लिखना अकल खाना शरीब पीना ये पीना खाना इसको हम कहते हैं मजदूरी माना ये एक पॉइंट दूसरा पॉइंट आप ये ये देखिए कताबा से आप देखें आगे जब आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे इसका कताबा से यानी पहले माजी के पहले से जैसे फ्यूचर बनेगा यानी मुजारा बनेगा अमर बनेगा नहीं बनेगा फिर इसमें फाइल बनेगा इसमें मफूल बनेगा इसमें मुश्तक बने तमाम मुश्तक बनेंगे इसमें जारा इसमें आला हा? और इसमें इसमें तब्जील वगैरह इस सारी चीजें इसी से बनेगी ठीक है तो आप कहेंगे सर अगर मुझे से फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आपने बहुत पढ़ा है जिसको आप कहते हैं मकतब मकतब अगर मुझे डिक्शनरी में ढूंढना हो तो मैं कहा अरबिक की डिक्शनरियां इंग्लिश की तरह नहीं लिखी जाती हैं जिनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है नहीं अरबिक में आपको मादा ढूंढना पड़ेगा इसी को मादा कहते हैं पहले माजी का पहला सेगा जो है इसको मादा कहते हैं आपको इस वर्ड जो यहां मैंने मकतब लिखा इस वर्ड का मादा देखना पड़ेगा ये किससे बना है किससे निकला है तो आपको पता चलता है फॉर एग्जाम्पल ये काताबा से निकला है तो आप डिक्शनरी में देखेंगे काताबा वहां इसके नीचे बहुत सारे इसके तमाम मुश्ताका होंगे वहां एक एक ये भी होगा मकताब और वहीं पे इसका मान लिखा हुआ होगा ये डिक्शनरी को देखने का तरीका भी है ठीक है तो यहाँ तक आपने फैले माजी के बुनियादी चीजें जो है उसको सीखा अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम कम है अब हम आगे बढ़ेंगे कहा हम जाएंगे कि भाई पहले हम लिखेंगे गर्दान किसकी गर्दान लिखेंगे हम पहले हम लिखेंगे फेले मादी की गर्दान जिसको आप बोलते हैं फेले माजी की गर्दान तो फेले माजी की गर्दान यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेशन सॉरी अरबी में कहते हैं तशरीफ अरबी में क्या कहते हैं तशरीफ और इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेशन इंग्लिश में क्या कहते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन। -G -G क्या कहते हैं कंजुगेशन यानी गर्दान कभी इंग्लिश में पेपर आता है तो आपसे पूछा जाता है राइट कंजुगेशन ऑफ समिया। है तो आप हैरान हो जे सर ये कंजुगेशन क्या है हैं तो इसको जरा नोट करके रखिए कंजुगेशन मीन उर्दू में आप कहते हैं गर्दान तो वो आपको पता ही है अब आइए हम यहाँ जाएंगे किस साइड में इस साइड में मैं आपको पहले ये गर्दान बताने से पहले ये बताऊंगा मैंने आपको कहा कि भाई देखिए ये आपको देखना पड़ेगा कि अरबी में जो है हर फर्द के लिए अलग सेगा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है उस एक मर्द ने यह काम किया तो इसके लिए अलग सेगा है उन दो मर्दों ने ये काम किया इसके लिए अलग सेगा है उन सब मर्दों ने ये काम किया इसके लिए अलग सेगा है उस एक औरत ने यानी मोनस ये तो मर्दों के तीन सेगे हो गए अब इसी तरह मोनस के तीन हो गए छह यानी गायब के ही छह सेगे हो गए क्या हो गए गायब के छ सेगे मैं जरा इसको एक बॉक्स डालकर जो है आपको मजीद वाजिया करने की कोशिश करता हूं आ, ये देखिए पहले हम क्या करते हैं हम कहते हैं मैं लिखूंगा वन मैन वन मैन मैं ये सिंपल में लिखूंगा ताकि आपको जल्द एक आदमी ने ये काम किया है एक एक आदमी ने ठीक है फिर आप कहते हैं टू मैन दो आदमियों ने ये काम किया है कितने आदमियों ने दो आदमियों ने फिर आप कहते हैं थ्री मैन थ्री मैन तो ये मैन हो गए फिर आप कहते हैं वन वुमैन डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमैन फिर आप कहते हैं इसी तरह टू वुमैन -M -M -E N टू वुमैन फिर आप कहते हैं भाई थ्री w O डब्ल्यू ओ एम थ्री वुमेन ये देखिए तो गायब के तीन छे छह से हो गए कितने हो गए छह से क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हैं मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आप पर्सन मेरी बात सुन रहे हैं पर्सन है तो हम किसी एक मर्द दो तीन के बारे में बात करें। ये एक औरत दो, दो, तो तो और दो भी है इसको, इसके लिए अलग जो है हमें जमीर भी है जैसे हुआ फिर है हुमा। फिर है हु अरबी में जमा जो है वो टू प्लस की कैटेगरी में आता है न कि वन प्लस की कैटेगरी में बाकी आप इंग्लिश में देखेंगे वहां वन प्लस वन मीनस सिंगुलर वन प्लस मीनस प्लोरल मसला खत्म लेकिन अरबिक में वन फिर टू यानी इसको तस्निया बोलते हैं फिर आता है टू प्लस जिसको आप जमा बोलते हैं अब तीन मर्दों के सेगे हो गए तीन औरतों के सेग हो गए मगर ये सारे जो है ये क्या है ये थर्ड पर्सन है अब इसी तरह जो है सेकंड पर्सन के ये सेगे मैं इन थर्ड पर्सन के सेगू जो है इनको मैं कोई कलर करूंगा ताकि आप जो है इसको अलग से पहचान सकेंगे हम इसको रेड कलर करते हैं ठीक है अब यहाँ आइए ये, ये कलर जो है यहाँ हम इसको इसको एक और कलर करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये कलर करेंगे हम इसको कहेंगे भाई ये तो क्या है इसमें आया नहीं कुछ फिलहाल मैं इसको लिखूंगा सेकंड पर्सन टू एन डी सेकंड सेकंड ये सब जो है यहाँ ये सेकंड पर्सन है ठीक है सेकंड पर्सन के छह और 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 थर्ड पर्सन के छह हो गए बारह इसके नीचे आते हैं मुतकलिम के दो सेगे तो हो गए चौदह क्योंकि मुतकलम या तो सिंगुलर होगा या प्लोरल होगा बस और मर्दों और खातिन के लिए सहम आता है तो इसलिए वहां सिर्फ दो सेगे हैं अना नहनो अना मीनस में एक लड़की भी कह सकती है एक मर्द भी कह सकता है ठीक है और नहनो हम तो ये मर्द भी कह सकते हैं औरतें भी कह सकती है ठीक है तो आइए अब हम इन चौदह को लिखते हैं किस तरह हम इस तरह यहाँ एक टेबल डालते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में टेबल में हम जो है पहले हम लिखेंगे कि भाई फेल लिखेंगे फिर फेल के बाद हमने इसका देखेंगे क्या है इसमें फिर इसकी मीनिंग लिखेंगे तो हम तीन ये डालेंगे और फिर आप जरा वेट कीजिए क्योंकि ये टेबल डालने में थोड़ा सा दिक्कत दिखा रहा है तीन तो हम यहाँ दस देखते हैं ठीक है तो पहले हम फे लिखेंगे आइए हम फॉर एग्जाम्पल फ़ाला से लिखते हैं या काबा से लिखते हैं फिलहाल हम फ़ाला से क्योंकि फ़ाला जो है यही असल है फा और फिर है एन ठीक है फिर है लॉम फला क्या है फा और लाम फाला। आगे बढ़ने से पहले याद रखे फाला जो है तीन हरफ का फेल है तो पहला हरफ जो है इसके ऊपर भी जबर आती है और लास्ट हरफ जो है इसके ऊपर भी ज़बर आती है। लेकिन जो बीच वाला है इसके ऊपर कभी जबर कभी ज़ेर और कभी पेश आता है यानी जबर और जेर और पेश आता है अब मैं पेश जबर जेर नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ जबर लिखूंगा क्या आप इसको याद रखेंगे फाइला देखिए यहां इसमें मुझे बताया इसमें हमने कुछ कोई चीज चीजेक्स एड कर दी इसमें हमने कोई चीज एड कर दी नहीं हम इसको इंसर्ट करेंगे एक कॉलम एक रो एबो एड करेंगे क्योंकि हमने इसमें ए नहीं लिखा यहाँ हम लिखेंगे कंजुगेशन सी एन जी यू जी ए टी ओ एन कंजु आई एम सॉरी यहाँ जो है चेंज करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है एन कंजुगेशन और यहाँ लिखेंगे हम क्या सफेक्स एस यू एफ एफ आई एक्सफेक्स की इसमें कौन सी चीज सफेक्स है और यहां लिखेंगे हम मीनिंग एम एन जी मीनिंग ठीक है तो आइए अब हमने पहला से का लिखा फाला यहां मुझे बताइए कुछ पे हमने डाला नहीं हम क्रॉस डालेंगे नहीं कुछ नहीं तो मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है इसकी भाई ही रोट डब्ल्यू आर ओ टी रोट ही रोट तो अब आइए दूसरे सीढ़ी में जब आपको दो के लिए बनाना है जब आपको किसके लिए दो के लिए बनाए तो आप यहाँ एक अलिफ ऐड करते हैं बस तो आप लिखेंगे फा फा एन फा लाम और इसके बाद अलिफ डालेंगे फा ला तो हमने सिफेक क्या डाला इसमें शबाश सिफेक क्या डाला हमने अलिफ अलिफ लाम फे अलिफ हमने अलिफ ऐड कर दिया तो माने क्या हो गया उन दो लोगों ने तो हम कहेंगे टी एच ई वाइद टी एच ई वायद्य टू मैन उन दो आदमियों ने रोट दे टू मैन रोट दे टू मैन रोट, रोट उन दो आदमियों ने क्योंकि अलिफ ने माना इसका बत्कार दिया कहा अलिफ ने इसको तस्ने में ले लिया उन दो लोगों ने यह काम किया फ़ाला सॉरी रोट नहीं फाला मीनस टू डू uh, हम कहेंगे यहाँ का नहीं हमने वो लिखा है, है? चलिए तो हो गया फाला फाला अब हम तीसरा सेगा देखेंगे इसमें आप लिखते हैं आ, फा, आ, उलाम फिर वा इसको वाउ अल बोलते हैं एक अलिफ एक्स्ट्रा डाल दे इसको बोलते हैं अलफ ऑफ प्रोटेक्शन अलफुल विका या क्या बोलते हैं अलफुल विका यानी अलिफ ऑफ प्रोटेक्शन क्या बोलते हैं इसको अलिफ ऑफ प्रोटेक्शन यानी ये या आप समझेंगे जब आपको पता हो कि भाई वाव की बहुत सारी किस्में हैं वाव की बहुत सारी किस्में हैं उन वाओं में से इस वाव को अलग करने के लिए वाउल जमा को अलग करने के लिए इस अलिफ को साथ लिखा जाता है क्योंकि यहाँ तो आपने देखा लाम के बाद हमने वाव मिलाकर लिखा तो सबों को नजर आता है हो सकता है यहाँ कोई ऐसा फेल हो जिसके जो लाम जिसका लाम कलमा जो है वो कोई ऐसा हरफ हो जिसके साथ अगले वाला हरफ मिलाकर नहीं लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल अखाजा एक फेल है अगर हम मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि आपको आसानी हो अगर मैं लिखू आखा दा, आखा दा, फिर मुझे लिखना है अखाजू तो मुझे वाह अलग लिखना पड़ेगा अब देखो यहाँ चांसेस है कोई पड़ेगा अखजा फिर पड़ेगा वाह अलग तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसके बाद एक अलिफ अलिफा लगाया जाता है ताकि जो पढ़ने वाला होगा ग्रामर जानने वाला वो उस कहेगा नहीं ये वाह तो इसी अखजा के साथ है इसका मतलब ये ये अखाजू है उन सब लोगों ने पकड़ा दे टू इट ओके तो ये इसलिए ये अलिफ लिखा जाता है बराबर तो ये आ गया फालू अब हम मुझे यहां बताइए हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया वाव, 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 सॉरी वाव. तो माने क्या होगा माने होगा <coughs> माने होगा दे कौन दे ऑल मैन ऑल मैन वो सारे दे ऑल मैन डिड उन सब लोगों ने किया तो ऑल मैन यहाँ मुराद है दे ऑल मैन यहाँ भी दे लेकिन यहाँ मुराद था दो आदमी ठीक है तो ये देखिए ये मैन 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 ही यानी मैन ये मुजक्कर के लिए तीन गायब यानी गायब के मुजक्कर के तीन सेगों के लिए इस्तेमाल हो गया अब मुझे कहना है शी डेड उसे एक औरत ने किया तो मैं इस इस फा, फा के आखिर में इसके साथ सफेक्स करूंगा मैं एक ता इस तरह जैसे फा लाम और फैली हुई था। ता के ऊपर सुकून फा क्या पढ़ेंगे इसको ठीक फा, फा फा है? अब यहाँ ये हमने इसके ऊपर क्या ऐड कर दिया हमने ऐड कर दिया तावित सुकून। ठीक है तो माने क्या होगा माने होगा शी डिड एस एच ई सॉरी एस एच ई शी शी डीड उसे एक औरत ने किया इसी तरह अब अब हम तस्निया कसेगा बनाएंगे तो मैंने यहाँ से तो फालता तो फा तो तो फा यहाँ बच्चे कंफ्यूजन करते हैं फ इसके ऊपर भी जबर है फिर ये ता जो अभी साकिन थी लेकिन इसके ऊपर भी अब जबर लगानी पड़ेगी क्योंकि अब एक साकिन अलिफ इसके साथ लगाना पड़ेगा जो यहाँ तस्निया का ये जो है माने वो दो उन दो औरतों ने ये काम किया अब हम यहाँ माने लिखेंगे आ, दे दे टू टू वोमेन, वोमेन डिड। उन दो औरतों ने ये काम किया ठीक है अब जमा में आइए जिस तरह आप यहाँ मुजक्कर के लिए जमा में वाव लगाते इस तरह मोहनस में नून लगाते हैं नून साकिन सॉरी नून मफतू नूनी मफतू यानी नून जबरना तो ये बनता है अः फल न यहाँ नून आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये थोड़ा कम ये मतलब आ रहा है पतला आ रहा है तो मैं इसको अलग अलग नहीं लिख सकता लेकिन मैं आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ये फल याद रखिए अब ये फअल जो है चूंकि ये 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 अभी तक हमने जो भी डाला था जैसे अलिफ डाला था ये भी साकिन वाव डाला था ये भी साकिन ता ये भी साकिन फिर अलिफ ये भी साकिन अब पहली बार हम एक ऐसा इसके साथ एक ऐसा हर्फ ऐड करते हैं जो मुतहरिक है तो लाम कलमा जो है फेल का ये साकिन हो जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा मैं इसको जरा फैला कर लिखूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे फअलना क्या पढ़ेंगे फअल फल फाल नहीं। लाम के ऊपर मैंने लिखा यानी जब भी के साथ एक मुता है, है एक मुताहरिक है तो लाम का रखी इस लिख के रखी हाँ तो अब आइए यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया नून नून व नून नून नूने ठीक है अब माने क्या होगा इसका माने होगा दे, दे ऑल वुमन जैसे ऊपर था दे सबों ने ये काम किया ये हो गया भाई आपका जो है गायब के छे क्या हो गया ये गायब के छे मैं उनको जरा ऐड करके दिखा रहा हूं ताकि आप इसको जो है आराम से पहचान सकें अब हम हाजिर के छे सेगों पे आते हैं जैसे आप हुआ हम उनकी गर्दन पढ़ते हैं जब हाजिर के आप पढ़ते हैं अंतर आप एक अंतर अंतुमा आप दो अंतुम आप सब इसी तरह यहां लगेगा फालता अंता की फालता फ फा, सॉरी फ अल लाम साकिन हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी कहा आपको क्योंकि ता जो है वो मुतहरिक है फ अल ता फ अल ता सॉरी फ अल ता ता जबर ता अल ता अंता फालता अंता फालता आपने किया मर्द नहीं अंता जो है वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है ना तो अंता तो आपने यहाँ ता ऐड कर दी मगर कैसी ऐड कर दी आपने ता जबरता ऐड कर दिया आपने ये अंता से आपने लाया तो माने हो जाएगा भाई आ, यू यू मैं लिखूंगा वन मैन यू वन मैन डिड आप मर्द ने ये काम किया यू वन मैन डिड ठीक है अब यहाँ आइए फिर से फलता अंत फलता एन तुम्हा फल तुमा तो तुमा तुम यहाँ लगेगा तुमा दो लोगों ने किया सो so, ये आएगा फ अल फिर से साकिन हो जाएगा तुमा तुमा तो जबर ठीक है तो so, हमने यहां तुमा ऐड कर दिया क्या ऐड कर दिया तुमा ऐड कर दिया शाबाश तो so, माने हो जाएगा यू टू मैन डेटिट आप दो मर्दों ने ये काम किया तो so, ऐसे होगा यू टू मैन डेड इट डिड अब दो मर्दों ने ये काम किया ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम तो फालतुमा अब अंत अंतुमा अंतुम अंतुम का तुम लगाएंगे तो बनेगा फालतुम अंतुम फल तुम फल फा, लाम साकिन हो जाएगा फिर से फल तुम सॉरी फल तुम तामीम पेश तुम फल तुम एड क्या कर दिया हमने तुम, तामीम पेश तुम, पेश तुम हमने एड कर दिया, माने हो जाएगा, दियान आप सब मर्दों ने किया डिड यू ऑल मैन डिड आप सब मर्दों ने ये काम किया ठीक है हाँ तो आगे आइए हम जरा इसको अब अब ये तो हो गया फ़ालता फाता अंतुमा अंतुम हो गए मुजक्कर के तीन से हाजिर में अब मुझे मोन मैं, मैं एक, एक लड़की को कहना है कि आफ एक लड़की ने यह काम किया तो मैं क्या कहूंगा अगर मैं मुझे कहना है आफ एक लड़की तो मैं अंति तो अंति की जो है वो लगेगा इसके साथ फलता बनेगा फल फलता क्या बनेगा फ अल और फिर आएगा फअल फल की यहां आपको शायद नजर नहीं आ रही है ये कसरा जो है फल की ऑफ एक औरत ने ये काम किया तो हमने ऐड क्या करते हैं इसमें शबाश तो माने क्या हो जाएगा माने हो जाएगा यू वन वोमैन यू वन वुमैन डब्ल्यू एम एन वोमैन डिड यू वन वुमैन डिड ऑफ एक औरत ने ये काम किया एक औरत ने ये काम अब मुझे कहना है आप दो औरतों ने तो चूंकि दो जो है मर्दों के लिए और अवरत के लिए सेम आता है अंतुमा अंतुमा ऊपर भी आपने कहा अंतुमा फाल तुमा। तो यहां भी आप कहेंगी अंतुमा जैसे यहां मैं मर्दों के बारे में दो मर्दों के बारे में, में दिखाऊंगा फालतुमा तो ऐसे सेम रहेगा फालतुम फालतु फाल, तुमा, फाल तुमा। तो यहाँ भी फाल तुमा लिखेंगे आप फल फा, तुमा लाम साकिन हो जाएगा फिर से फल तू तु फल तुमा तु तो ऐड क्या कर दिया आपने यहां फिर से यही तुमा तुमा माने क्या हो जाएगा माने हो जाएगा आप दो औरतों ने यू टू वोमेन टू वोमेन डब्ल्यू एम टू वो, वो डेड मैं टू वन टू थ्री जो है ये मैं लिख रहा हूँ न्यूमरल में ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ सकें तो आइए आप जमा लिखेंगे जैसे वहां आप कहते हैं अंत अंतुम अन्तु अंतुम आप सब लोग अंतुम आप सब लोग और आप सब औरतें आप कहते हैं अंतुन्ना तो यही तुन्ना लगेगा इसके साथ अंतुन्ना फल तुन्ना फल तुन्ना फल लाम साकिन हो जाएगा तापेश तो आएगा फअल तो नून के ऊपर एक तो तजदीद लगेगी और जबर लगेगी तुन्ना फल तुन्ना तुन्ना ठीक है ऐड क्या कर दिया हमने ऐड हमने कर दिया मुश्दत और नून और जबर के साथ ऐड हमने कर दिया माने क्या हो जाएगा इसका माने हो जाएगा भाई यू ऑल वोमेन यू ऑल वोमेन डिड आप सब औरतों ने ये काम किया आप सब औरतों ने ये काम किया तो आइए ये हमारे छह से हो गए किसके हाजिर की फालता फालतुमा फालतुम फालते फालतुमा फालतुन्ना यानी सिंपल ये हाजिर के छह से याद रखने ज्यादा इजी है क्योंकि आप अंता हर मुसलमान अंता अंति अंतुमा से जान, को जानता ही है जो हुआ हुमा की गर्दन है अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा, अंतुमा, अंतुमा अंतुन्ना इन छह से को आप जानते हैं इनका लास्ट हिस्सा जो है उसको काट कर का लिखे किसी भी फैल माजी के साथ तो वो फैले माजी के हाजिर के छे से के बन जाएंगे, जैसे आप जलासा फॉर एग्जाम्पल कहेंगे तो आप कहेंगे जलासा जलस्ता, अंतुमा जलस्तुमा, अंतुम जलस्तुम अंति जलस्ती अंतुमा जलस्तुमा अंतुन्ना जलस्तुन्ना इसी तरह का तबा हाँ आप कहेंगे आप एक लड़का आप एक लड़का बैठ गया बैठ गए आप एक मर्द बैठ गए तो आप कहेंगे जला अंत जलस्ता जलस्तुमा अंतुम जलस्तुम अंति जलस्ति अंतुमा जलस्तुमा जलस तुन्ना ठीक है तो हाजिर के छह सेगे हो गए अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है वो है सिर्फ जिसको हम बोलेंगे क्या नाम है मुतकलिम के दो सेगे मुतकलिम के मैं एक ब्लैंक छोड़ रहा हूं ताकि आप इसको वाजिया देखें या जरूरत नहीं है मैं इसको रंग चेंज कर सकता हूं अब हम कहेंगे आना मैंने अना जब आप कहते हैं ना तो फैले माजी के आखिर में तापीश तो जैसे आपने हाजिर की दो से गुमे अंत फालता यहाँ जबर लगा दी के लिए फालते मोनस के लिए अब अना चाहे मुजक्कर हो या मोनस यहाँ तो लगाएंगे गो फालता फालते फालतो तो क्या लगेगा अना फाल तो साकिन हो जाएगा फल तो फल तो तापेश तो फल तो तो ऐड क्या कर दिया हमने ऐड क्या कर दिया हमने तापेश तो और माने क्या होगा माने होगा इंग्लिश में सिंपली आई 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 ब्रेकेट में मेल फीमेल एफ एम एल मेल फीमेल यानी दोनों तो और खातून दोनों कह सकते हैं आई डिड मैंने काम किया फालतू तो। लड़की भी कहेगी फालतू लड़का भी कहेगा फालतू अगर लड़की बैठ गई वो कहेगी जलस तो अगर लड़का बैठ तो वो भी कहेगा जलस तो अगर लड़की ने खाना खाया वो कहेगी अकल तो अगर लड़के ने खाया तो वो भी कहेगा अकल तो अगर लड़की ने पिया कोई कोई चीज चाय पी दूध पिया तो वो कहेगी शरीफ तो अगर लड़का हो तो वो भी कहेगा शरीफ तो इट इज सेम दोनों के लिए सेम है आप समझ रहे हैं ना चलिए तो अब लास्ट से का हमारा बचा वो है नहनु का नून नहनु का नून नून अलिफ ना फाल ना फ़ाल ना फनो फ़ाल ना ठीक है जैसे आप उस तरह कहते हैं ए हमारी रब रब ना फिर दुनिया ये रब जो आपने कह दिया ये यह मिन्स हमारे रब यही ना यहाँ इस्तेमाल हो जाता है फल ना फ अल लाम के ऊपर जजम फिर से फल अल, नून अलिफ जबर नून अलिफ जबर ना फल ना फल ना तो ऐड क्या कर दिया हमने नून अलिफ जबर ना और माने क्या हो जाएगा माने हो जाएगा वो सॉरी माने हो जाएगा वही फिर से आएगा मेल फीमेल एम एफ मैं लिखूंगा ताकि आप उसको समझ सकें वही डेड डेड वु औरतें भी कहेंगे फालना हमने कहा किया मर्द भी कहेंगे फालना हमने किया ठीक है तो ये रही भाई गरदान इसकी मैं इन दो सेगों को जो यहाँ ये सेम आती है मुजक्र मोनस के लिए मैं इनको जरा ग्रीन लाइट में रखूंगा ताकि आप समझेंगे भाई इनके लिए ग्रीन लाइट है इनको आप हाँ, इनको आप जो है दोनों के लिए मुज्कर मोनस के लिए सेम इस्तेमाल करते ठीक है, है तो पहले से छह सेगे जो है मैंने रेड में लिखे ताकि आपको ये पता चले कि भाई ये सेगे हैं किसके है? के से हैं के छह हैं ठीक है मैं इसमें एक एक काम और कर, एड करूंगा मैं जरा इंसर्ट करूंगा इसमें एक कॉलम टू द टू द राइट ऑफ इट ताकि हम यहाँ कुछ लिख सकते लिख सके हैं फिर हम इसको जो है हाँ इनको हम मर्ज करेंगे ताकि मरी सेल्स हाँ, ये एक ही बनेगा तो मैं यहाँ लिखूंगा इसमें इंग्लिश में क्या इंग्लिश में लिखूंगा मैं थर्ड पर्सन थ्री सॉरी थ्री आर डी एस ओ एन थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन ठीक है या मैं इंग्लिश अरबी में लिखूंगा अल गाइब अल गाइब गाइब के छह छे से हैं ये अब आप खुद देखिए ये गायब के छह से मैं इसको बीच में लाऊंगा गाय के छह सेगी है ना ये है गाय के छह सेगी थोड़ा कम करके इसको चलिए तो ये है गाय के छह सेगी ठीक है अब मैं यहाँ इन हाजिर के छह सेगों को क्या करूंगा मैं इसी तरह इनको मिलाऊंगा और मैं यहाँ लिखूंगा इनको इन सेल्स को मर्ज करके मैं इसको लिखूंगा सेकंड पर्सन क्या लिखूंगा ताकि आप जो है आराम से इसको समझ सके और आपके लिए ये, ये जो है एक फॉर्मूले की तरह ये, ये सम में रहे सेकंड पर्सन पी ए और एस इन सेकंड पर्सन और इसको अरबी में सेकंड पर्सन को क्या कहते हैं अल हाजिर अल हाजिर हाजिर के छह से किसके छह सेगे के हाजिर से के 6 सेगे के हाजिर जोद और हाजिर की, की छह सेगे ठीक है अब फिर आखिरी दो बज गए इनको हम कहीं मर्ज करेंगे और इनको हम क्या करेंगे मैं इसको लिखूंगा फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन

इसको के नाम से हम जानते हैं ठीक है अब फिर से ये आ गए एक है, वो क्या है कि पहले, इसमें पहले तीन से के हाजिर और है ये में के होते हैं और तो दूसरे तीन जो है ये मोनस के होते हैं मैं इनका रंग जो है जरा एक थोड़ा डिफरेंट बना दूंगा ताकि आप इसको आराम से समझ सके ये देखो ये है लेकिन शायद ये आपको नजर नहीं आएगा मैं रंग फिर से चेंज करता हूं हाँ तो ये शायद ठीक है लेकिन बहुत कमज़ोर दिख रहा है ज़्यादा वो नहीं आ रहा तो मैं इसमें भी फिर से चेंज करता हूँ इसको मैं ब्लैक कलर में रखूंगा ताकि आप समझ आए ये देखो ये तीन है और ये तीन है फिर रेड फिर मैंने ब्लैक के तीन लाए क्योंकि मज़क करके हैं फिर मैं इन मोनस के तीन को तीन को फिर से मैं रेड करूंगा या ये करूँगा ताकि रेड ही करेंगे ताकि आप दूर से पहचानेंगे भाई ये तो डेंजर है ठीक है लेकिन इन दोनों को रेड करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुजकरमोन के लिए सेम आ जाते हैं ठीक है तो ये है भाई आपकी गर्दान जिसको आपको याद करना है बेहतर है कि आप याद करें लेकिन उससे अफजल ये है कि आप इसको समझें कि आखिर मैं लिख क्या रहा हूं मैं क्यों इसको इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे क्या फायदा मिल रहा है ठीक है मैं कहा एडिशन कर रहा हूँ कहाँ ओमिशन कर रहा हूँ पहले माजी को आप सीख रहे हैं देखो भाई फा एन लाम फा, एन लाम, फा एन लाम जो है ये सा हर जगह रहेगा इसके आखिर में यानी के, के बाद आप इस, इसके साथ कोई जो है कर सकते हैं लेकिन इसमें कोई डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप वहाँ जो है मतलब पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो वहाँ आपको कुछ चीजों को देखना पड़ेगा वहाँ आप इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो वो चीजें वहां सीखेंगे यहाँ आइए आप जहां भी जब पहले छे छह सेगे आपने पढ़ी फिर से मैं बता रहा हूं आपने पहले सेगे में कोई कुछ ऐड नहीं किया जैसे यहाँ है ये यह जहां मेरा एक कर सरा एक मिनट आप ये मैं अः इसको हाँ अब देखिए फा ये देखिए लाम कलमा फा अब यहाँ ये फाला लाम भी मौजूद है लेकिन एक अलिफ ऐड कर दिया गया दो आदमियों के लिए ठीक है फालू आलू यहाँ वाह एड कर दिया वाह उल जमा इसको बोलते हैं ठीक है ये वाव हमेशा साथ रहेगा आप अमर में देखेंगी अकीम सला नमाज कायम करो तुम सब लोग वाह भी वहां भी है उस जुदू सजदा करो रुकू करो अब सब लोग सब मरे यहां जब मर्दों और खातीन को एक साथ जब ये देनी होती है कोई देना होता है तो दोनों को हम, सेगा करते हैं। तो उस हम जो है मर्दों इस्तेमाल करते हैं तो मुराद होता है यहाँ ता ताड़ कर दिया ताई, तानीस, तो ये मुराद है कि ये हिया के माने में यानी ये तानीस है अः ये शी के माने में आप कहेंगे ये काम जो है एक औरत ने किया है आपने

छह से के अब आइए हाजिर के छह सुख में मैंने आपको बता दिया अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना ये छह से के याद आप ये छह छह जमीर आप याद रखेंगे तो बिल्कुल वही उनका आखिरी हिस्सा जो है इस फेल के साथ मिलाकर फलता फल तुमा फल तुम फल ठीक है ये देखिए इस हमने ऐड कर दिया इसके साथ ता तुमा तुम, ती तुमा फिर दो मुतकल बच गए तो ना फाल तो फाल ना। तो ये हो गया अब एक कि ये हमने लाइन जो है जो हमने कर दी, इसमें हमने कभी लिखा कि भाई आ, कभी तो हमने कुछ ऐड नहीं किया कभी हमने एलिफ कभी वा कभी ता कभी एलिफ कभी नून कभी ता कभी तो माँ वगैरह वगैरह इसमें इसमें आप याद रखिए इसमें आप क्या क्या ये स, ये आप समझेंगे इसमें जो ये आ, ये ता है जो हमने मोनस के लिए बनाया था शी ये ता जो है यह अलामतानीस है यानी मोनस की अलामत मोनस की अलामत क्या है मोनस की अलामत बाकी सब जो है अलिफ वाव, नून ता तुम